वेलकम स्टूडेंट्स जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं जो बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर है मैं उसके सारे ऑब्जेक्टिव आपको समझा के अपलोड करने वाला हूं मैंने इससे पहले तीन सेट अपलोड कर दिया है और ये चौथा लास्ट सेट है और सारे क्वेश्चंस जो है चारों सेट में से आएंगे यदि आप ध्यान से सारे ऑब्जेक्टिव को सुनेंगे पढ़ेंगे तो उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा ये मेरा आपसे वादा है प्रॉमिस है चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलेंगे थैंक्स मैं हूँ विवेक कुमार विद्यार्थी और आप देख रहे हैं कुंवच चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं ये सारे क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिए हुए हैं पहला है आई खाता होता है ये क्वेश्चन इससे पहले भी कई बार आ चुका है आई खाता एक नाम मात्र या अवास्तविक खाता है अगला क्वेश्चन है एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाते हैं ये आजीवन सदस्यता शुल्क को बैलेंस शीट में दिखाते हैं आर्थिक चिट्ठा सही आंसर भी है इसका वसीयत को मानना चाहिए वसीयत को दायित्व मानना चाहिए सही आंसर नंबर ए है आगे है साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार का उनके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा सही आंसर छह है। तो अगला क्वेश्चन है कौन सी साझेदारी की विशेषता नहीं है तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है सीमित दायित्व जो है ना ये विशेषता नहीं है अगला क्वेश्चन है साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा तो पहला कंडीशन है जब एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है तो उसको ब्याज मिलेगा ही नहीं इनमें से कोई नहीं सही आंसर है आगे है साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है जो आपने शुरू में पूंजी लगाई थी उसी पर हम क्या करते हैं गणना करते हैं सही आंसर नंबर ए है प्रारंभिक पूंजी पर आगे है साझेदारों की पूंजी पर दे ब्याज लिखा जाता है लाभ हानि नियोजन खाता इसका सही आंसर है नंबर सी में आपको टिकआउट करना है आगे है साझा अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है फर्म का पुनर्गठन ये सारे ऑब्जेक्टिव रिपीट हुए हैं आगे है पुनर्मूल्यांकन खाता है, में क्रेडिट पक्ष में डेबिट पक्ष पर क्रेडिट पक्ष के डेबिट पक्ष पर आधिक को कहते हैं ये प्रॉफिट कहलाता है लाभ सही आंसर नंबर ए है इसका आगे है पुनर्मूल्यांकन खाता लाभ हानि समायोजन खाता है ये नाम मात्र खाता है नंबर सी इसका सही आंसर है आगे पूंजी पर ब्याज को समानता मानना चाहिए ये लाभ का नियोजन है नंबर ए ख्याति है ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है नंबर बी इसका सही आंसर है समान लाभ पर औसत लाभ का अधिक कहलाता है अधिलाभ सुपर प्रॉफिट इंग्लिश में बोलते हैं नंबर ए इसका सही आंसर है व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं ख्याति नंबर ए इसका सही आंसर है पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन करते हैं तो पुराने पार्टनर्स ऑल पार्टनर्स वहन करते हैं निम्न में से कौन सी संपत्ति एक नए साझेदार के प्रवेश पर अनिवार्यतः पुनर्मूल्यांकित किया जाता है ये ख्याति अस्थाई संपत्ति नहीं नए साझेदार के प्रवेश के समय जो है ना कुछ हो या ना हो लेकिन ख्याति का रिवेल्यूएसन अवश्य होता है गुडविल इसका सही आंसर है नए साझेदारी द्वारा नकद में लाई गई ख्याति कहलाती है तो प्रीमियम कहते हैं सही आंसर नंबर सी है इसका साझदारों द्वारा फर्म का एक ही समापन किया जा सकता है नंबर ए सही आंसर है बहुमत के आधार पर आगे है एक साझदार का दिवालिया होना फर्म के किस प्रकार के समापन के अंतर्गत आएगा नंबर बी सही आंसर है अनिवार्य समापन आगे है फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाना चाहिए ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बैंक खाता या रोकर खाता सही आंसर है नंबर सी आगे है एक साझदारी फर्म के समापन की दशा में संदिग्ध ऋण आयोजन का हस्तांतरित किया जाएगा ये वसूली खाते में डाउटफुल डेटर्स आगे है समापन की दशा में भी यदि कोई साझेदार फर्म का कोई दायित्व ग्रहण करता है तो डेबिट किया जाने वाला खाता है तो ये वसूली खाता आ, को डेबिट कर देंगे हम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ठीक है आगे है निम्न में से किसी वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है रोकर को लेनदार को लाभ हानि के शेष को संचय को इसका सही आंसर है लेनदार को हम ट्रांसफ़र करते हैं आगे फर्म के समापन पर वसूली खाते की हानि को किस खाते में डेबिट करते हैं वसूली खाते की हानि को पार्टनर्स कैपिटल में पूंजी खाते में ट्रांसफर करते हैं आगे चिट्ठे में दिखाई गए रोकर बाकी को समापन के समय दिखाया जाता है ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया तो हुआ है कैश अकाउंट में आगे फर्म के विकरण पर बैंक अधिविकर्स को हस्तांतरित करेंगे तो ये वसूली खाते में ट्रांसफ़र कर करते हैं आगे है समापन पर ख्याति खाता हस्तांतरित किया जाता है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वसूली खाते के डेबिट में ठीक है ना वसूली खाते के डेबिट ही इसका सही आंसर है आगे है समापन की दशा में जब कोई साझेदार कोई संपत्ति लेता है तो डेबिट किया जाता है तो इसका सही एंट्री होता है पार्टनर्स कैपिटल लोगों डेबिट टू रियल एलेंट अकाउंट हो पार्टनर्स कैपिटल को ही डेबिट करते हैं नंबर बी सही आंसर है इसका आगे है जब गैर अभिलेखित दायित्व का भुगतान किया जाता है तो दर्शाएंगे तो अभिलेखित दायित्व वसूली खाते के नाम साइड में डी में नंबर ए सही आंसर है अंश आवंटन खाता है नाम से जुड़ा होता है व्यक्तिगत खाता सही आंसर है इनमें से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन सी है ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है ऑथोराइज कैपिटल नंबर सी सही आंसर है लाभांश समानता दिया जाता है पेडअप पर नंबर डी सही आंसर है ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आगे है अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन सा विवरण निर्गत किया जाता है ये विवरण होता है नंबर ए सही आंसर है रिन पत्र है ऋण का प्रमाण पत्र नंबर ए सही आंसर है साधारण ऋण पत्र होते हैं ये सुरक्षित होते हैं अंशतः सुरक्षित होते हैं और ये नंबर बी इसका सही आंसर है ठीक है और डेवेंचर को प्रायः सिक्योर्ड लोन ही कहा जाता है इसको आप नंबर ए मानिए सिक्योर्ड लोन सुरक्षित ऋण ति पत्रों पर ब्याज की दर होती है एक निश्चित दर से होती है नंबर सी सही आंसर है पेटेंट व कॉपीराइट किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं ये अमूर्त संपत्ति जैसे गुडविल होता है ना ऐसे ही पेटेंट या कॉपीराइट भी होता है नंबर सी सही आंसर है ख्याति संपत्ति के किस श्रेणी के अंतर्गत आती है अमूर्त संपत्ति अमूर्त का मतलब है जिसको हम देखते नहीं है छूते नहीं है बट ओनली फीलिंग अनुभव करते हैं सी सही आंसर है आगे है प्रारंभिक व्यय चिट्ठे के किस शीर्षक के अंतर्गत दिखा जाता है तो ये जो है ना स्थाई संपत्ति संचय अधिशेष इनमें से कोई नहीं सही आंसर इनमें से कोई नहीं है आगे एक व्यवसायिक उद्यम के वित्तीय विवरण में शामिल होते हैं तो वित्तीय विवरण में जो है चिट्ठा दिया हुआ है लाभानी खाता है कैश फ्लो है उपरुक्त सभी है सभी हो जाएगा नंबर डी आगे संचालकों की रिपोर्ट कंपनी की किस सभा में प्रस्तुत की जाती है तो वार्षिक सभा में नंबर बी हो जाएगा आगे है निम्न में से कौन सी वित्तीय विवरण की सीमा है नंबर ए दिया हुआ है नंबर बी दिया हुआ है इसका जो है सही आंसर है नंबर डी उपरोक्त सभी शब्द चालू दायित्व में शामिल नहीं होता है डेवेंचर शामिल नहीं होता डेवेंचर लॉन्ग टर्म लोन है सीएल नहीं है ठीक है आगे है तरल अनुपात को नाम से भी जाना जाता है शीघ्र अनुपात के नाम से नंबर बी सही आंसर है आगे है ऋण अनुपात है डेप्ट इक्विटी रेशियो मतलब ये जो होता है ऋण अनुपात इसको शुदन अनुपात ही बोलते हैं नंबर सी इसका सही आंसर है आगे लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा गैर संचालन व्यय है ये मशीन की बिक्री पर हानि ये भी कई बार आ चुका है गैर संचालन व्यय आगे है सकल अनुपात सकल लाभ के साथ किसका अनुपात है तो ये शुद्ध बिक्री सकल अनुपात सकल लाभ जो है सकल शुद्ध कुल बिक्री का नंबर डी इसका सही आंसर है आगे है निम्न में से कौन सा रुकर का अंतरवाह नहीं ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका अंतरवा का मतलब रुपया आपके पास नहीं आ रहा है तो ये मशीन खरीदेंगे तो रुपया आएगा नहीं बल्कि जाएगा ये नंबर बी हो जाएगा ठीक है अपने ऋण पत्रों को रद्द करने पर हुए लाभ का हस्तांतरण करेंगे इसका सही आंसर है पूंजी संचय खाता में आगे है सिंकिंग फंड निवेश पर ब्याज को जमा किया जाता है तो सिंकिंग फंड निवेश पर जो आपको ब्याज मिलेगा वो सिंकिंग फंड में ही जाता है या फिर लाभानी नियोजन खाता में पहले पी में जाएगा ठीक है सही आंसर इसका हो जाएगा लाभानी नियोजन खाता ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती है कटौती कृत्रिम बनाया बनावटी संपत्ति कहलाती है नंबर डी इसका सही आंसर है आगे है बैंक से लिए गए ऋण के लिए पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन किए जाने पर किस खाते को डेबिट किया जाएगा तो इसका सही आंसर है ये डेवेंचर सस्पेंस अकाउंट नंबर डी इसको हिंदी में बोलते हैं ऋण पत्र उचन दिखाता सेबी के निर्देश के अनुसार शोधन के पूर्व ऋण पत्रों की राशि का कितने प्रतिशत से ऋणपत्र शोधन संचय कोष का निर्माण करना होता है फिफ्टी परसेंट इसका सही आंसर है चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं एक मिनट नहीं अभी दोबारा इसको पढ़ते हैं क्या लिखा सेबी के निर्देश के अनुसार शोधन के पहले नहीं ऋण पत्रों की राशि का कितने प्रतिशत इसका सही आंसर सॉरी मिस्टेक से लगा ट्वेंटी फाइव परसेंट है नंबर सी इसका सही आंसर है आगे है कंपनी के अंतिम खाते कंपनी अधिनियम दो हजार तेरह की किस धारा के प्रावधान के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं ये क्वेश्चन भी जो है ना इससे पहले आ चुका है इसका सही आंसर है एक सौ उनतीस नंबर सी इनमें से वित्तीय विवरणों में हित रखने वाले पक्ष कौन से हैं इसका सही आंसर है संचा इन मतलब प्रबंधक भी होते हैं वित्तीय संस्थाएं भी होते हैं लेनदार भी होते हैं इनमें से सभी ऋण क्षमता अनुपात है ये भी कई बार आ चुका है शोधन क्षमता अनुपात नंबर सी सही आंसर है और ये तो आपको तय बनाना होगा आप लोग बना लेंगे ए एस विवरण संबंधित कैश फ्लो विवरण संबंधित है ये भी इससे पहले आ चुका है ए एस थ्री अगला क्वेश्चन है फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट शेयर का भुगतान किया जाता है साझेदार को ही करेंगे हम नंबर ए सही आंसर है फर्म के विघटन पर साझेदारों के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है इसका सही आंसर इनमें से कोई है ही नहीं नंबर डी सही आंसर है वसूली खाता है ये नाम मात्र खाता है नंबर बी संपत्तियों का विक्रय मूल्य लिखा जाता है तो वसूली खाते के सीआर साइड में नंबर बी सही आंसर है साझेदारों द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन हो किया जा सकता है ये भी बहुत बार आया हुआ है बहुमत के आधार पर फर्म के विघटन पर अपृत संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को क्रेडिट करेंगे वसूली खाता में नंबर सी सही आंसर है वसूली खाते के हानि का बंटवारा साझेदारों में किया जाएगा लाभ विभाजन अनुपात में आगे है एक साझेदार का दिवालिया होना ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है अनिवार्य समापन कहलाता है ठीक है ना नंबर बी सही आंसर है आगे है फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाना चाहिए ये भी बहुत बार आ चुका है नंबर सी कैश या बैंक आगे है फर्म के समापन की दशा में वसूली खाते को डेबिट करते हैं बेची जाने वाली संपत्ति से फर्म के आ, सभी बाहरी दायित्व से फर्म के विक्रय से के प्राप्त राशि से यदि किसी साझेदार ने किसी संपत्ति को ले लिया हो तो इसका सही आंसर है फर्म के सभी बाहरी दायित्वों से इसको हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं नंबर बी इसका क्या है सही आंसर है बेची जाने वाली सभी संपत्तियों से वसूली मतलब समापन की दशा तो में वसूली खाते को डेबिट किया जाता है और जो भी संपत्ति होता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए बेची जाने वाली सभी संपत्तियों से चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं फर्म के समापन की दशा में संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से सर्वप्रथम भुगतान किया जाएगा जो भी बाहरी लेनदार है उसको पेमेंट करते हैं नंबर डी इसका सही आंसर है आगे है एक साझेदारी फर्म के समापन की दशा में संदिग्ध ऋण आयोजन का हस्तांतरित करेंगे हम जो संदिग्ध ऋण का हस्तांतरण होता है ना साझेदारों के पूंजी खाता में नहीं साझेदार फर्म को दिए गए ऋण का साझेदारों की अतिरिक्त पूंजी का डीम लिखा हुआ है बाहरी लेनदार का क्वेश्चन क्या कहता है दोबारा रिपीट करते हैं क्वेश्चन को हम एक बार फर्म के समापन की दिशा में संदिग्ध ऋण आयोजन मतलब प्रोजन फॉर डाउटफुल डेटर्स का हम ट्रांसफर कहाँ करते हैं तो इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है तो हानि है एक तरह से तो हम क्या करेंगे इसको पार्टनरशिप अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे आगे है फर्म के समापन के समय चिट्ठी में दिखाया गया समान कोष का क्रेडिट किया जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नंबर सी सही आंसर है समापन पर प्रख्याति खाता हस्तांतरित किया जाएगा तो वसूली खाते के डी आर में दिया हुआ है क्या वसूली हाँ नंबर सी दिया हुआ है वसूली खाते के डेबिट साइड में समता अंसदारी होते हैं कंपनी के स्वामी होते हैं मालिक होते हैं नंबर बी सही आंसर है जब्त किए गए अंशों के पुनर्निगमन के पश्चात हरण खाते के शेष को हस्तांतरित करेंगे पूंजी संचय खाता में बी नंबर बी इसका सही आंसर है कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमित कर सकती है समता पूर्वाधिकारंश दोनों ही कर सकती है नंबर सी इसका सही आंसर है दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित होता है बहुत बार आ चुका है चुकता पूंजी पेड अप कैपिटल नंबर डी प्रार्थित पूंजी और याचित पूंजी के अंतर को कहा जाता है तो जो प्रार्थित पूंजी है और जो याचित पूंजी है उसका जो अंतर है ना वो कहलाता है और याचित पूंजी नंबर सी वित्तीय विवरण होते हैं चार ऑप्शन दिया हुआ है प्रत्याशित तथ्य फिर आगे लिखा हुआ है अभिलेखित तथ्य अभिलेखित ही इसका सही आंसर है अगला क्वेश्चन है चालू संपत्ति में शामिल होता है स्टॉक है रिटर्स है क्या सभी है ये तो सभी शामिल होता है नंबर डी सही आंसर है इसका आगे निम्न में से कौन एक कंपनी का वित्तीय विवरण का भाग नहीं है तो लावानी खाता लेजर खाता लेजर खाता एक अलग होता है ठीक है ना ये वित्तीय विवरण का भाग नहीं होता है नंबर सी आगे है विश्लेषण को कहा जाता है ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है ठीक है ना इसका सही आंसर है स्थिर विश्लेषण नंबर बी आगे वित्तीय विश्लेषण उपयोगी होते हैं ये सभी के लिए होते हैं नंबर डी सही आंसर है फिर ये तो निम्न दिया हुआ है आप लोग बना लेंगे आगे है संचालन अनुपात है ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है इसका सही आंसर है क्रियाशीलता प्रतिशत आगे है लाभ प्रता अनुपात समानता प्रदर्शित करता है ये प्रतिशत में ये भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है आगे है रोकर प्रावरण आधारित है तो ये लेखांकन का रोकर आधार ठीक है ना सही आंसर है ये भी से पहले आ चुका है नंबर ए आगे है रोकर प्रावरण संबंधित है ये भी इससे पहले कई बार आ चुका है ए इसका सही आंसर है आगे है रोकर प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है ये भी इससे पहले बहुत बार आया हुआ है नंबर डी सही आंसर है मतलब आर्थिक चिट्ठा से लाभान्व खाता से अतिरिक्त सूचना से सभी से हम तैयार करते हैं फिर आगे है ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि पूंजीगत प्राप्ति है आयगत है ये पूंजीगत प्राप्ति है नहीं सॉरी ये ना तो प्राप्ति है ना न, न पूंजीगत है ना आयगत है ये तो लोन होता है जी तो इसका सही आंसर नंबर डी हो जाएगा ये तो लोन है पूंजी का हिस्सा है आदर्श त्वरित अनुपात है क्विक रेशियो टू वन नंबर टू हो जाएगा अगर ख्याति होती है कृत्रिम संपत्ति होती है कर के लिए प्रावधान है ये कर के लिए प्रावधान ये चालू दायित्व तो है नंबर ए ऋण पत्रों पर देव ब्याज होता है इसका सही आंसर है लाभों पर प्रभार त्याग अनुपात का सूत्र है ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो नंबर बी इसका सही आंसर है आगे है अग्रिम प्राप्त चंदा ये दायित्व होता है नंबर बी सही आंसर है आगे है अधिकारांश वे अधिकारांश वे अंश है जिन्हें नंबर वन कंपनी के निर्देशकों को निर्गमित किया जाता है नंबर बी कंपनी के वर्तमान अंशधारकों को निर्गमित किया जाता है नंबर सी दिया हुआ है इसका सही आंसर है नंबर बी कंपनी के वर्तमान अंशधारकों को निर्गमित किया जाता है आगे है जब चालू अनुपात दिया हुआ ये आप बना लेंगे ठीक है ना मैं इस जो भी बनाने वाले क्वेश्चन है मैं सबसे लास्ट में अपलोड करूंगा इसके बाद ये चारों ये चौथा सीट लास्ट है ना इसके बाद मैं जो भी निम्नकल बचा हुआ है वो अपलोड करूंगा निम्न में से कौन एक गैरो कर्मद है ये हराश एक गैरो कर्मद है तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है सौ क्वेश्चन का एक सीट होता है हमने चार सीट अपलोड किया चार है चार क्वेश्चन है दी आप चार क्वेश्चन को कंट्रोल कर लेते हैं तो एग्जाम में हम उम्मीद करते हैं कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा चलिए थैंक्स वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें